काल में इस समय स्वास्थ्य विभाग के हर कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर मानव सेवा को सर्वोपरि मानकर कोरोना योद्धा बनकर अपनी तकलीफों को भूलकर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हमारे वॉइस ऑफ एमपी के संवाददाता से विशेष चर्चा में बताया गया कि सोनकच्छ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अंजलि वाड़िया इस समय 6 माह के गर्भवती के अवस्था में है, जिन्होंने इस अवस्था में भी अपने प्रभाव किए बिना अपने फर्ज को प्राथमिकता दी है और लगातार कोविड केयर सेंटर पर अपनी ड्यूटी निभा रही है। उनका एक सपना था, वह डॉक्टर बनकर सभी की सेवा करेंगे। आज वह पूरी टीम के साथ ये सेवा निभा रही है। पर वर्तमान स्थितियों को देखते हुए मेरी ड्यूटी अभी सीसीसी कोविड केयर सेंटर में लगाई गई है। वहाँ पे आने वाले सभी मरीजों का टेम्परेचर SpO2 देखा जाता है। यदि वह गंभीर स्थितियों में आते हैं तो हम उन्हें प्राथमिक उपचार देते हैं ताकि वो थोड़े सेटल हो जाए। उसके बाद यदि ऐसा लगता है कि उनका SpO2 नहीं बढ़ रहा है या उनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर हो रही है तो हम उन्हें तुरंत ही देवास के सरकारी अस्पताल में या जहाँ भी उन्हें सुविधाजनक लगता है वहाँ पर, जहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हो सके, वहाँ पर रिफर कर दिया जाता है। ये कार्य कोविड केयर सेंटर में होता है। अन्यथा यदि जो व्यक्ति SpO2 उनका नॉर्मल होता है या हम ऐसी स्थितियों में उनका सहयोग दे सकते हैं कि उन्हें बाहर नहीं भेजना पड़े तो हम उन्हें वहीं भर्ती कराते हैं और पूरे 14 दिन तक उनका पूरा सहयोग करते हैं ताकि वो रिकवर होकर अपने घर वापस। मेरी तबीयत ठीक है बट मैं अभी 6 मंथ गर्भवती हूँ तो गर्भ अवस्था के दौरान भी मुझे यदि अवसर मिला है तो मैं इसे नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैं अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपना कार्य पूर्ण रूप से यहाँ पर देने का प्रयास कर रही हूँ। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।